one class. Now I am going to start the concept of exercise 1.2. जैसे कि मैंने कहा था exercise 1.1 में question number 10 को explain करना है, 7 को explain करना है, वो मैं बाद में आपको explain करूँगा next topic में, अभी उसका video बना नहीं है. मैं exercise 1.2 का concept start कर रहा हूँ, इसको समझ लीजिए. The heading is rational numbers between two numbers on a number line. Means अगर दो rational number हैं और उनके बीच में आपको rational numbers find करने हैं तो कैसे करेंगे. Suppose that this is 1, ये number line है, this is 0, 1, 2, 3, इधर minus 1, minus 2, minus 3, 1 और 2 के बीच में कहा जाए कि दो rational number find करो, find two rational numbers, तो आप बोल दोगे 1 और 2 के बीच में 1 upon 2 भी आ जाएगा, 3 upon 2 भी आ जाएगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे numbers हैं जो 1 और 2 के बीच में आ जाएंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि 1 और 2 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स फाइंड कीजिए, जैसे मैं कह दूं कि 20 रेशनल नंबर फाइंड करो, कितने 20. अब 1 और 2 के बीच में 20 नंबर्स आपको पता ही नहीं कौन से होंगे, ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं ये हमको सोचना पड़ेगा. अगर मान लो पूछ ले 9 रेशनल नंबर्स फाइंड करो, 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करो, 15 रेशनल नंबर्स फाइंड करो, कैसे होगा. 1 को हम 10 अपॉन 10 लिख सकते हैं, कैंसिल होगा तो 1 ही आएगा. 2 को 20 अपॉन 20 लिख सकते हैं, बात समझ में आ रही, कैंसिल होगा, दिस इज 10 अपॉन 10, दैट इज 20 अपॉन 10, गॉट इट. अगर कैंसिल करें तो 1 और 2 ही आएगा. अब 10 अपॉन 10, 20 अपॉन 10, तो 10 अपॉन 10 और 20 अपॉन 10 के बीच में क्या आएगा, 11 अपॉन 10, 12 अपॉन 10, 13 अपॉन 10, ये सब रेशनल नंबर तो है. अगर मैं कहूँ कि 1 और 2 के बीच में 9 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए तो आप क्या कहेंगे, 11 अपॉन 10, 12 अपॉन 10, 13 अपॉन 10, 14 अपॉन 10, 15 अपॉन, इस तरह से 19 अपॉन 10 देंगे, 9 रेशनल नंबर हो जाएंगे. अब बोल दिए थे 15 रेशनल नंबर, अब 15 तो इसके बीच में आएगा नहीं, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर से इसको बढ़ा देंगे, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 अपॉन 100 कर दो, यहाँ पे 200 अपॉन 100 कर दो, अभी भी ये 1 और 2 ही है, 0 से 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल. अब इसके बीच में 100 से 200 के बीच में कितना कितना आ जाएगा, सबसे पहले आएगा 100, 1 अपॉन 100, 100, 2 अपॉन 100, 100, 3 अपॉन 100, इस तरह से आप बहुत सारे 199 अपॉन 100 तक कर सकते हैं. इट मींस कि जब हमको दो नंबर्स के बीच में नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं, और दो नंबर्स के बीच में जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट, आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो. कितने रेशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, गॉट इट, थैंक यू.